अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केसी 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग एक कॉल देखेंगे इंट्राडे की, जिसको हम नेक्स्ट डे अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग केसी 100 इंडेक्स को देखते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, वीक हो चुकी है, और जो बहुत ज़्यादा इसमें जो वॉलेटिलिटी आ गई थी उसकी वजह से मार्केट बहुत वीक हो गई थी। और मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर इंडेक्स डे चार्ट के हिसाब से अपना EMA 20 ब्रेक करता है तो ब्लड बात आएगा। ये मैंने अपने ग्रुप में भी कई दफ़ा बताया था, वीडियो में भी बताया था। आपने देखा यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश करी थी 21 अगस्त को, जहाँ मतलब कि 770 पॉइंट मार्केट माइनस हुई थी, लेकिन ये यहाँ पर जाके रुक गई थी। उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर सपोर्ट दिया था और इसने अगेन ब्रेक नहीं करा, बट जब उसने जैसे ही ब्रेक करा तो अचानक से अच्छा खासा इसमें नेगेटिविटी आई थी। इसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि मार्केट 46,900 के पास से एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट ले सकती है और इसमें डे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाएगी तो फिर वो ऊपर वाला लेवल सस्टेन नहीं करेगी और फिर ये जो लेवल आया था इसको भी ब्रेक कर देगी। ये मैंने अपना वॉइस नोट मैंने किया था ग्रुप में। आपने देखा यहाँ से 46,900 तो नहीं गई, 47,000 से ही होल फिगर से मार्केट रिबाउंड हुई, ऊपर की तरफ गई, डे ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेल हुई। और ये इसलिए मैंने बताया था कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, अर्ली ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था और यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए जाना था, तो ये ऊपर गई। उसके बाद अब देखें, क्योंकि डे ग्राफ भी डाउन ट्रेंड्स वो कर रहा था इंडिकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अर्ली चार्ट भी इस यहाँ पर आके ओवरबाउट हो गया था और फिर उसने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर दी। तो जब दोनों चार्ट मिलकर डाउनवर्ड इंडिकेट करें तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डाउन होएगा, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर आया और इसने फिर अगेन इसको सस्टेन करने की कोशिश करी, देन आपने देखा फिर यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि काफ़ी अरसे से इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सस्टेन नहीं करना था। मैंने ये भी बताया था कि इतनी नेगेटिविटी है मार्केट में, इकोनॉमिकली भी देख ले, पॉलिटिकली भी देख ले, सोशली देख ले, हर चीज़ की नेगेटिविटी है। टेक्निकली भी इंडेक्स बहुत ओवरबाउट था, इसको नीचे जाना चाहिए था, और मैंने तो यहीं पर कहीं बता दिया था। अब वार्निंग साइन है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा चुकी है, तो यहाँ पर आपने ब्रेक किया। अच्छा, फिर मैंने दो लेवल्स आप लोग को मार्क किए थे, एक मैंने बताया था 45,900 और 43,600। ये अप्रॉक्सीमेट लेवल्स थे बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज जो कई टाइम पहले मैंने बताया था। अब देखिए इसका मूविंग एवरेज जो 20 तो ब्रेक हो गया, अब 50 के पास मार्केट जाएगी जो कि बन रहा है 45,900, लेकिन मैं इसको अब ये करता हूँ, इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर देता हूँ कि इसका मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि 45,900 से लेकर 46,000 तक मार्केट सपोर्ट ले सकती है। यहाँ पर हो सकता है एक आपको अगेन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि इंडेक्स अगर मैं अर्ली चार्ट पे देखूं तो अर्ली चार्ट पे ओवरबाउट हो चुका है, सॉरी ओवरसोल्ड हो चुका है, और यहाँ पर आके एक जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी अगेन मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, क्योंकि नेगेटिविटी स्टिल अभी बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये EMA 50 भी ब्रेक कर देगा और जाएगा EMA 100 की तरफ। और अगर EMA 100 की तरफ जाएगा, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट मजीद नीचे जाएगी EMA 200 की तरफ, जो कि तकरीबन 43,600 के पास बनेगा। लेकिन मैं अभी आप लोग को ये टारगेट नहीं दे रहा, अभी मैंने आप लोग को जो टारगेट पहले दिया था 46,000, यहाँ पे मैंने कहा कि इंट्राडे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये तो था, और बस आप लोग ये देखें कि EMA 50 सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो अगेन सीरीज ऑफ ब्लड बाथ्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने बाय कॉल की तरफ, जो हम इंट्राडे के लिए हम निकाल सकते हैं। तो ये शेल पाकिस्तान लिमिटेड है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको मार्केट थोड़ा सा नीचे, ज़रा सा नीचे जाके आपको एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी दे सकती है, तो क्यों ना हम एक देखते हैं एक आइटम को जिसमें हमें इंट्राडे अपॉर्चुनिटी हम जिसमें अवेल कर सकते हैं। तो ये शेल पाकिस्तान है, मैंने अर्ली चार्ट निकाला हुआ है। अर्ली चार्ट में वैसे अगर इंडिकेटर्स देखें तो ये सारे नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म पे ये डाउन इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है शेल पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, लेकिन मैं अगर इनको देखता हूँ, अपने मूविंग एवरेज को देखता हूँ, तो मूविंग एवरेज पे ये पहले भी 200 मूविंग एवरेज पे से सपोर्ट ली थी, फिर ये इसने एक गेन दिया, फॉर एग्जांपल 129 से ये गया है 140 के करीब, और ये अगेन वन अपने EMA 200 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये अब इसका EMA 200 जो है ये तकरीबन बनता है 132.5 के करीब, लेकिन इससे नीचे इसकी सपोर्ट आ रही है वो 131.6 के करीब आ रही है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको ज़रा सा नीचे करते हैं और हम इसको कहते हैं कि हमारी एंट्री बनेगी 132, 132 पे हम इसको एंट्री बनाते हैं। अच्छा, आप इसके करीब करीब आप ले सकते हैं, ज़रा सा नीचे भी ज़रा सा ऊपर भी ले सकते हैं, जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये मेरा मेरी बाइंग लेवल होगी,
अब हम देखते हैं कि इसका सेल लेवल क्या होगा। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है जो मुझे वो आ रही है तकरीबन 134.4 के करीब, और ये यहाँ पर EMA 20 है, ये भी नीचे आएगा, यानी ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो 134.4 के करीब मैं इसका सेल लगा सकता हूँ, ये मिनिमम इसका टारगेट होगा। अच्छा, डे ट्रेड में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर आपको मिले प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, और अगर यहाँ से जितना ऊपर जाए तो ये आपका बोनस है। फिर अब हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस हमारा देखें, ये हमारी सपोर्ट है 131.69, हम इसका स्टॉप लॉस बना देते हैं 130.99, 130.9 ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कंपेयर करता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं इसका बनाता हूँ, तो हमारी एंट्री एंट्री प्राइस थी 132 और हमारा प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 134.4 और हमारा स्टॉप लॉस है 130.99। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका अच्छा बना है 2.38, सॉरी इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे लिखा हुआ है, इसको कहेंगे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, क्योंकि रिवॉर्ड ज़्यादा है रिस्क कम है। तो 2.38 इसका बन रहा है, यहाँ पर इस गलत लिखा हुआ है इसमें SCS पे। तो ये हमारा बन रहा है, आप देखें कि आप 1 रुपये का आपको रिस्क है अगर इन केस ऑफ स्टॉप लॉस हिट, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपका टारगेट तकरीबन 2.4 रुपीज़ है। तो इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी आप इसी तरह से अवेल कर सकते हैं, 1-3% आपको मिल सकता है। तो ये था एक पोटेंशियल इंट्राडे ट्रेड। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ पाई होगी, आपने लेवल्स देख लिए होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।